इतना स्ट्रॉन्ग है. दैट इज़ वाई जब ट्रेलर हमने रिलीज़ किया बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स था. यू सी द कॉमेंट्स एंड एवरीबडी इज़ बीन ट्वीटिंग एंड मैसेजिंग. तो अभी बस वी हैव रीच्ड द टाइम द मोमेंट एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. आई कांट वेट फॉर एवरीबडी टू सी द फिल्म. हम लोग की यही कोशिश थी कि एक अच्छी और एक सच्ची फिल्म बनाएं और जो बेसिकली जो फिल्म की कहानी है जो एजुकेशनल सिस्टम पर की जो लूपहोल्स है उस पर हम लोगों ने एक सच्ची कहानी बनाई है. तो हम यही कोशिश कर रहे थे कि एक जो संदेश है जो सच्चाई है जो रियलिटी है वो हम लोगों तक पहुँचाए और फिर यू नो एटलीस्ट इट गिव्स देम फूड फॉर थॉट. एक डिस्कशन के लिए ओपन हो सकता है एंड एटलीस्ट लोग जान सकते हैं कि बाहर हो क्या रहा है. सो आई थिंक अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड आई होप दैट पीपल वॉच द फिल्म एक्चुअली एंड एंजॉय. नर्वसनेस तो होती है, जाहिर सी बात है, फिल्म जब रिलीज पे हो तो और खासकर सेटर्स जैसी फिल्म जो एक थ्रिलर जॉनर की है. मैं पहली बार एक थोड़ा नेगेटिव किस्म का किरदार कर रहा हूँ सो ऑब्वियसली थोड़ा नर्वसनेस है. हमने अपना काम कर दिया है, अब तीर निकल चुका है, अभी बस जय भोलेनाथ.